सुप्रभात मेरे सारे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 5 का पाठ 9, एक माँ की बेबसी पार्ट 1। बच्चों ये इस कविता का पार्ट 1 है। इसमें हम कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कविता में हमें क्या कहा गया है, और इसी के पार्ट 2 में हम इसके प्रश्न उत्तर इत्यादि करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 9, एक माँ की बेबसी। ये आप लोगों को अपनी पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पेज नंबर 68 पे कविता मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। बच्चों जब इस आप कविता को पढ़ेंगे तो आपके सामने आपका जो बचपन है, चाइल्डहुड है, उसका चित्र आपके सामने बन जाएगा। आप उस समय क्या करते थे, कैसे खेल खेलते थे, ये सब आपकी आंखों के सामने आने लगेगा। और आप अपने खास साथी जो कि जिसके बारे में आप इस कविता में पढ़ेंगे, उसका नाम है रतन और उसकी माँ, इन दोनों का चित्र भी आपकी आंखों के सामने बन जाएगा। इसे पढ़ो और महसूस करो। तो हमें इस कविता को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसे महसूस भी करना है, इसे फील करना है। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। तो बच्चों जो कविता होती है वो धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे आराम आराम से पढ़ा जाता है। एक एक लाइन, एक एक शब्द का अर्थ समझने के साथ साथ उसे पढ़ा जाता है, ताकि हम उसे अच्छे से समझ सकें कि उसका मतलब क्या है। जब बचपन में हम कोई भी कविता पढ़ते हैं तो हमें उसका अर्थ समझ में नहीं आता, हम सिर्फ मनोरंजन के लिए वो पढ़ते हैं। पर जब हम बाद में उसी कविता को अच्छे से पढ़ते हैं बड़े होने के बाद, तो हमें लगता है कि ये कविता का असली मतलब आज हमें समझ में आया है। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता को बच्चों जब भी हम पढ़ते हैं तो कविता कहीं ना कहीं हमारे मन के कोने में, हमारे दिल में अपना एक घर बना लेती है। और जब भी हमारे साथ वैसा ही होता है जैसे कविता में बताया गया था, तो हमें लगता है कि ये सब तो हम पढ़ चुके हैं पहले से। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। बच्चों कविता और कहानी हम सबके साथ यह होता है, मतलब जो कविता और कहानी होती है वो क्या होता है, वो हमारी ज़िंदगी में जो भी घटनाएं घट रही है उसी के ऊपर आधारित होती है। कई बार हमें बहुत टेंशन हो जाती है, बहुत चिंता हो जाती है कि हमने इतने अच्छे से कविता पढ़ी लेकिन हमें तो ये समझ में नहीं आई। तो हमें इससे चिंतित होने की, हमें इससे टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कविता एक बार में पूरी तरह से समझ में आ जाए ये ज़रूरी नहीं है। अगर उससे सिर्फ एक चित्र भी उभरता है तो भी कविता कामयाब है। अगर आप कोई भी कविता पढ़ रहे हैं और आपकी इमेजिनेशन में, आपकी जो कल्पना है, उसमें कोई एक चित्र भी बन गया, आप किसी एक पात्र के बारे में भी कुछ समझ पाए, तो भी ये कविता के लिए बहुत अच्छी बात है। हमें कविता समझ में आई, कविता जो है वो कामयाब है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। तो बच्चों यहाँ पे बात की है अदृश्य पड़ोस। अदृश्य मतलब होता है बच्चों जो हमें दिखाई ना दे, और पड़ोस मतलब आसपास में रहने वाला। तो इसमें कहा गया है ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से, मतलब हमें पता नहीं कि ना जाने वो किस जगह से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। तो ये किसी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे आसपास में कहीं से खेलने के लिए आता था लेकिन हमें पता नहीं है कहाँ से। रतन जो बोल नहीं सकता था, तो इस बच्चे का नाम इन्होंने बता दिया है, इस बच्चे का नाम है रतन। रतन बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। वो बच्चों जो रतन था वो सभी बच्चों के साथ, जैसे हम सब आपस में खेलते हैं, आप लोग अपने दोस्तों के साथ खेलते हो, रतन भी सभी बच्चों के साथ बिल्कुल अच्छे से खेलता था, लेकिन एक टूटे खिलौने की तरह। रतन को बच्चों टूटा खिलौना क्यों कहा है यहाँ पे, क्योंकि रतन बोल नहीं सकता है। वो हमारी तरह बिल्कुल नॉर्मल तो है लेकिन सिर्फ उसमें एक कमी है कि वो बोल नहीं सकता है, इसलिए उसे टूटा खिलौना कहा गया है।
देखने में हम बच्चों की ही तरह था, वह भी एक बच्चा। देखने में वो कैसा था? बिल्कुल हम सब की तरह, जैसे आप लोग हो, आपके दोस्त हैं, वैसे ही वो भी एक बच्चा बिल्कुल आप लोगों के जैसे ही दिखता था। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। लेकिन सारे बच्चे उसको क्या समझते थे? एक अजूबा समझते थे। अजूबा मतलब होता है कोई ऐसी आश्चर्य वाली चीज़। ऐसा क्यों समझते थे? क्योंकि वो हमसे भिन्न था। भिन्न का मतलब होता है बच्चों अलग, क्योंकि वो सब सारे बच्चों से अलग था। वो बोल नहीं सकता था, इसलिए सारे बच्चों के लिए वो एक अजूबा था। आगे देखते हैं। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। तो सारे बच्चे जो थे वो उससे थोड़ा सा घबराते भी थे, वो उससे थोड़ा सा डरते भी थे। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि वो समझ नहीं पाते थे। अगर वो कुछ घबरा रहा है, वो कुछ बोलना चाह रहा है, तो वो कैसे बोलेगा? तो ये सब लोग को थोड़ी सी टेंशन रहती थी, तो सब लोग उससे बहुत घबराते भी थे। ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की झटपटाहटों को। बच्चों, वो इशारों में बहुत कुछ, जो रतन है वो इशारों में बहुत कुछ कहना चाहता था। उसकी आँखें, डरी हुई आँखें, भयभीत मतलब डरी हुई, उसकी डरी हुई आँखें भी हमें बहुत कुछ कहना चाहती थी। हमें हर समय दिखता था कि वो कुछ ना कुछ झटपटा रहा है, कुछ ना कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो कह नहीं सकता। इसलिए हम लोग सब उससे थोड़ा सा घबराते थे कि ये बोल नहीं सकता है। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। और बच्चों, जितनी देर भी वो बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर आता था, तो उसकी माँ जो थी वो पास ही बैठी रहती थी। उसकी माँ उसे छोड़कर घर नहीं जाती थी, उसकी माँ वहीं उसके पास बैठी रहती थी और क्या करती थी? निहारती रहती उसका खेलना। जब उसका बच्चा खेलता था, जब रतन खेलता था, तो उसकी माँ उसको पास बैठ के निहारती रहती थी, मतलब देखती रहती थी। निहारना मतलब होता है देखते रहना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, अब जो है जैसे जैसे बच्चा रोज़ आने लगा, रतन रोज़ रोज़ खेलने के लिए आने लगा, तो सारे बच्चे क्या हुआ, उसको समझने लगे। उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। तो बच्चों, यहाँ पे जो है ये कह रहे हैं कि जो रतन है, इन लोगों को रतन से ज़्यादा क्या याद है? अभी भी रतन से ज़्यादा याद है उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। मतलब उसकी माँ रतन को हमेशा देखती रहती थी खेलते हुए, और क्या करती थी? बस देखती रहती थी। उनकी आँखों में बहुत बेबसी थी। बेबसी का मतलब होता है बच्चों कि कुछ करना, कि हम कुछ करने चाहते हैं लेकिन हम वो कर नहीं सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। उसकी माँ बहुत चाहती है कि उनका बच्चा बिल्कुल सारे बच्चों की तरह खेले, बोले उनकी तरह, पर क्या उसकी माँ उसको आवाज़ दे सकती है? नहीं, उसकी माँ उसको आवाज़ नहीं दे सकती। कुछ चीज़ें सिर्फ भगवान के हाथ में होती है। तो उसकी माँ एक बहुत बेबस माँ है, कि वो चाहती हैं कि उसका बच्चा बोल सके, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। तो हमें जो है रतन से ज़्यादा किसकी याद आती है? उसकी माँ की आँखों की, क्योंकि उसकी माँ की आँखों में हमेशा एक दर्द दिखता है, एक बेबसी दिखती है कि उसका बच्चा भी खेले कूदे सारे बच्चों की तरह, वो भी बात करे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती, इसलिए सिर्फ उसे देखती रहती थी। तो बच्चों, ये छोटी सी कविता थी। इसके कवि हैं कुंवर नारायण, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, इसके कवि हैं कुंवर नारायण। तो ये एक छोटी सी कविता थी, एक माँ और उसके बच्चे रतन के ऊपर। आशा करती हूँ आप सबको ये समझ में आई होगी और इसे पढ़कर भी मज़ा भी बहुत आया होगा। थैंक यू।